नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में कि इसमें हमारी क्या राय है, आगे आपको ये शेयर बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो इन सारे बातों को हम इस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और आगे रिलायंस का क्या प्लान है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और परसों मतलब 30 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्रीज की मीटिंग है, क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी आने वाले हैं, उससे बहुत सारा सिनेरियो डिपेंड करेगा कि आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें क्या करनी चाहिए। तो वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ बता दें हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उसे देख करके आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं टिकर टेप के वेबसाइट पर। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज को के स्टॉक को सर्च किया है। अभी जो इसका करेंट प्राइस है, आज मार्केट क्लोज हो चुका है और ये हमारा 1.60 रुपीज़ डाउन है और आज क्लोज हुआ है 1,428.15 रुपीज़ के पर क्लोज हुआ है रिलायंस का शेयर। और ये अभी आप देख सकते हैं ये वेबसाइट एक रेडीमेड वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड रूप से मिल जाती है। मतलब आप यहां पर आइए, सिर्फ देखिए आपको सारा कैलकुलेशन क्या हुआ सब चीज़ मिल जाता है यहां पर। तो देख सकते हैं कि इंट्रेंसिक वैल्यू की बातें बहुत कम होती है हमारे इंडिया में, कि इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब एक फेयर वैल्यू जिस पर शेयर को बाय करना चाहिए, मतलब एक लॉन्ग टर्म पोजिशन अगर आप बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं करेंट प्राइस लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू से करेंट प्राइस लेस बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? फेसबुक का और रिलायंस जियो का डील हुआ है, तब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का वैल्यूएशन बढ़ चुका है और जो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है वो बताया जा रहा है कि 1800 रुपये के करीब है इंट्रेंसिक वैल्यू। लेकिन अभी हमारे मार्केट में ज़ोरदार गिरावट आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो मार्केट था वो 12,000 से ऊपर था निफ्टी, लेकिन अभी निफ्टी हमारा क्या है 9300 के आसपास है, 9300 के आसपास। इसलिए जो हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज में ज़ोरदार गिरावट देखने मिला था, लेकिन जैसे हमारा फेसबुक और रिलायंस जियो का डील हुआ उस समय से इसमें 20% की तेज़ी आ चुकी है। तो इसलिए आप जो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू बताया जा रहा है वो 1800 रुपये बताया जा रहा है, लेकिन आगे का क्या प्राइस होगा, इसका स्टॉक्स नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करता है हमारे मार्केट पर। मार्केट मेरा नीचे आता है या ऊपर जाता है इस पर डिपेंड करेगा आगे इसमें क्या करें। तो इसमें बाय करना है आपको या सेल करना या होल्ड करना है, तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं तब निर्णय लेंगे बाय सेल और होल्ड का। उसके बाद कह रहा है FD से हमेशा ज़्यादा रिटर्न दिया है ये शेयर। उसके बाद डिविडेंड रिटर्न अट्रैक्टिव डिविडेंड ऑफर नहीं करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लगातार अपने ग्रोथ पर फोकस कर रहा है और अभी अपने डेप्ट को कम करने पर फोकस किए हुए रिलायंस। उसके बाद कह रहा है नोट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबाउट जोन, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग हो चुका है, तो इसलिए अभी बता रहा है ये वेबसाइट कि अभी इसमें बाइंग का समय नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं हाई डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब मार्केट जैसे नीचे आता है तो ये शेयर भी नीचे आ सकता है, इसलिए डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी इसमें दिखा रहा है कि बहुत ही हाई है। तो चलिए आगे हम इसमें और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनने वाला है। इसका रिटर्न देख लेते हैं और जो इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। 1 वीक का रिटर्न देख लीजिए, 1 वीक में देख सकते हैं 15% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में देख लीजिए, 1 मंथ में देख सकते हैं 34% का रिटर्न देख सकते हैं 34। एक महीना पहले जिन्होंने भी इस स्टॉक को बाय किया था वो अभी 34% का रिटर्न प्राप्त कर चुके हैं। 1 ईयर का देख लेते हैं चार्ट, 1 ईयर में देख सकते हैं 2% मतलब 2.65% का रिटर्न दे रहा है। उसके बाद 5 ईयर्स में देख सकते हैं 230% का रिटर्न दे रहा है 5 ईयर्स में। उसके बाद मैक्सिमम में बात करते हैं, देख सकते हैं मैक्सिमम 2321% इतना परसेंट का रिटर्न दे रहा है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आगे चलते हैं, इसमें और भी पैरामीटर्स है जैसे हमारा P/E रेशियो, तो P/E रेशियो इसका देख सकते हैं 21.40 रुपीज़ है और जो सेक्टर है उसका मात्र 10 रुपीज़ है, क्योंकि अभी सारे जो स्टॉक्स है आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं, कोई 30%, कोई 50, कोई 40%, इसलिए सारे शेयर्स के P/E रेशियो कम हो चुके हैं। उसके बाद PV रेशियो देख सकते हैं 2.18 है PV रेशियो और सेक्टर का PV रेशियो देख सकते हैं ये भी बहुत कम है। तो और डिविडेंड यील्ड, इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम है और ये हमारे सेक्टर का डिविडेंड यील्ड बहुत ही ज़्यादा है। तो देख सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके अनुसार अभी ये स्टॉक्स बहुत ही महंगा मिल रहा है अपने सेक्टर के कंपैरिजन में, लेकिन स्टॉक्स
जो फंडामेंटल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है। ओनली जो इसके साथ डाउट है वो है डेप्ट। इस कंपनी के पास कर्ज बहुत ज़्यादा है और अपने कर्ज को लगातार कम करने का प्रयास कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ट्रेड, देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में है इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट, थोड़ा जो प्रॉफिट में इंक्रीज बहुत ही कम हुआ है लेकिन जो रेवेन्यू है उसमें बहुत ही तेज़ इंक्रीज देखने आपको मिल रहा है। प्रमोटर्स का होल्डिंग देख सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है 2.74% का, मतलब लगातार प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है कंपनी में। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग कॉन्स्टेंट रहा है। तो बहुत सारे चीज़ें रेडीमेड मिल जाता है इस वेबसाइट पर आपको, तो आप यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्री या कोई भी स्टॉक्स को यहाँ सर्च करके आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना था यहाँ पर कह रहा है हाउ मच कुड रिलायंस इंडस्ट्री रेज थ्रू राइट इश्यू, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री जो है ऐसा आशा किया जा रहा है कि जो 30 अप्रैल है उस मीटिंग में राइट इश्यू ला सकता है और ये पहली बार होगा जब पिछले 3 दशक में, मतलब पिछले 30 सालों में बाद, मतलब 30 साल बाद ये अपना फंड रेज करने जा रहे हैं वो भी राइट इश्यू के तहत। तो बहुत सारे आगे जो है आपको डेप्ट कम करने के लिए रिलायंस बहुत सारे स्टेप्स लेने वाले हैं। तो 30 अप्रैल के मीटिंग में डिविडेंड भी डिक्लेयर हो सकता है पहली बात, रिजल्ट आ सकता है दूसरी बात, और तीसरा राइट इश्यू आ सकता है। इन 3 बातों पर ध्यान रहेगा कि डिविडेंड कितना मतलब अनाउंस किया जा सकता है, रिजल्ट कैसा आता है और क्या राइट इश्यू भी लाने वाला है रिलायंस इंडस्ट्री। 3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे देखना है 30 अप्रैल को। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर टोटल डेप्ट, जो डेप्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वो देख लीजिए डेप्ट कितना है हमारा। तो देख लेते हैं 1,57,000 करोड़ का, 1,57,195 करोड़ का टोटल डेप्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। और इसमें से फेसबुक जियो का डील हुआ है तो 43,000 करोड़ अगर माइनस भी कर देते हैं तब पर भी अभी 1,00,000 करोड़ का कर्ज मतलब डेप्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बचता है। फिर ये फाइनेंशियल 20 आता है तो उसमें देखते हैं बैलेंस शीट में क्या सब, मतलब कौन सा फाइनेंशियल रेशियो सब क्या होता है, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे रिजल्ट आने के बाद। लाइबिलिटीज़ इतना है और इसके पास देख लेते हैं रिजर्व और कैश बैलेंस कितना है। कैश एंड बैंक बैलेंस देख सकते हैं 3,768 करोड़, इतना का कैश और बैंक बैलेंस है। लोन और एडवांसेस भी बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। रिजर्व देखिए, रिजर्व भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है। रिजर्व देखिए कंपनी के पास 3,98,983 करोड़, इतना का रिजर्व है कंपनी के पास। तो रिजर्व जो है कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा है और ये रिजर्व लगातार बढ़ते गया देख सकते हैं। तो रिजर्व और जो बैंक बैलेंस है दोनों है कंपनी के पास। ओनली डेप्ट, सिर्फ डेप्ट हट जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और ही रॉकेट बन जाएगा। डेप्ट जैसे पूरी तरह से ख़त्म होता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो एक रॉकेट बन जाएगा और भी, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू अभी ही बताया जा रहा है इसका 1800 है, 1800 इसका इंट्रेंसिक वैल्यू बताया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 न्यूज़ है। पहला डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, 30 अप्रैल को इसका Q4 का रिजल्ट आ रहा है जिसके अनुसार शेयर का आगे प्राइस मूवमेंट क्या होगा वो तय करेगा और साथ ही साथ ये बाज़ार पे भी डिपेंड करेगा, बाज़ार हमारा नीचे आता है या ऊपर जाता है। और तीसरा राइट इश्यू लाने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस देख सकते हैं RAL राइट इश्यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, रिलायंस जो है राइट इश्यू लाने वाला है बिल्ड कॉन्फिडेंस करने के लिए और क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए और जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर नीचे देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज बोर्ड टू कंसिडर राइट इश्यू एट April 30 मीटिंग, April 30 को जो मीटिंग है उसमें कंसिडर कर सकता है। उसके बाद फेसबुक जियो डील ए बिग बूस्ट फॉर इंडिया रिटेल सेक्टर, इंडिया का जो रिटेल सेक्टर है उसमें एक बहुत ही बड़ा बूस्ट लाया है जो हमारा फेसबुक जियो डील है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कट क्रूड प्रोसेसिंग एट जामनगर सेज रिफाइनरी बाय 24%। जैसा कि आप जान रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइस में लगातार गिरावट देखने मिल रही है, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने रिफाइनरी में 24% तक जो प्रोसेसिंग है वो कट कर दिया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं रिलायंस स्टार्स यूजिंग व्हाट्सएप फॉर ग्रॉसरी डिलीवरी बट मॉडल टू इवॉल्व, मॉडल को अभी इवॉल्व करना बाकी है, ग्रोसरी प्रोडक्ट को जो है स्टार्ट कर दिया है व्हाट्सएप पर डिलीवर करना। रिलायंस इंडस्ट्रीज टू कंसिडर फर्स्ट राइट इश्यू इन 3 डिकेड्स, देख सकते हैं कि 30
तीन डिकेट्स मतलब 30 सालों में पहली बार राइट इश्यू कंसिडर कर रहा है ड्यूरिंग अप्रैल 30 मीटिंग, 30 अप्रैल को जो मीटिंग होगा उसमें। तो ये थे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस प्राइस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब आगे जो है आपका इसमें क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में आपको निश्चित है कि एक अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी मार्केट में क्या आती है गिरावट होती है या मार्केट ऊपर मूव करती है इस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट को देखते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा आता है या हो सकता है ये जो सिचुएशन है क्वार्टर फोर के रिजल्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करे तो शेयर नीचे भी जा सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के पास। अगर राइट इश्यू लाती है तो डेप्ट खत्म होता है, डेप्ट खत्म होने के बाद इस शेयर को पकड़ पाना मुश्किल होगा। तो पहला जो राइट इश्यू आता है उससे डेप्ट कंपनी का खत्म किया जा सकता है, दूसरा लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर उसके रिजल्ट पर, और तीसरा जो हमारा मार्केट है वो अप जाता है या डाउन जाता है इस पर निर्भर करेगा कि इस शेयर का प्राइस जो है वो क्या होगा, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट जब नीचे जाते हैं उसके साथ ये भी शेयर में कुछ ना कुछ गिरावट आएगी। तो आपको अभी इन्वेस्ट करना है तो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और वेट एंड वॉच करें। इस लेवल पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इन्वेस्ट करें, थोड़ा इसमें करेक्शन होने दें, मार्केट को देखें, मार्केट में अगर करेक्शन होता है तो इसमें भी होगा तब आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक दो शेयर पहले ले लिए, फिर मतलब जैसे आपको 50 शेयर लेना है 10 शेयर ले फिर 10 शेयर, इस तरह से आपको बार बार जो गिरावट आती है तो उसमें लेना है। तो SIP मोड में आप इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक बहुत कम आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। तो मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।